पर गाजीपुर जनपद से जहां आज दिनांक 25 फरवरी 2021 को जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष सुनील राम के नेतृत्व में किसान बिल वापसी नियंत्रण खरीद मूल्य पर कानून किसानों के समर्थन में बद्रीचंद पोखरी से कचहरी सरजू पार्क में पहुंचना था। बीच में ही सरकार की पुलिस जबरदस्ती बस में बैठाकर पुलिस लाइन ले गई। भी कुछ लोग सरजू पांडे पार्क में पहुंचकर अपनी बातों को बुलंदी से रखा। पुलिस लाइन में भी लोग बुलंदी से अपनी बातों को रखे। उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया, उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया खोर निंदनीय है। सरकार लोकतंत्र और संविधान का गला घोट रही है। मोदी सरकार के हटने पर ही प्रदेश और देश का भला होगा। जनता में खुशहाली आएगी। महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर भी नारा लगाया गया। गैस पेट्रोल डीजल का दाम आसमान छू रहा है, जिसके प्रभाव से हर वस्तुओं का दाम बढ़ रहा है। जब तक देश भाजपा मुक्त नहीं होगा, न देश तरक्की करेगा, न जनता में खुशहाली आएगी। साथियों, एकजुट हो कांग्रेस के हाथों को मजबूत करें। जघनिया जलालपुर धनी चौकी की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। भुरकुरा थाना अंतर्गत 3 जिले के पास जलालपुर धनी चौकी है। सुविधाएं न के बराबर है। बाहर से आए हुए पुलिस के जवानों को इस चौकी पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जवानों के लिए न तो पानी की व्यवस्था है, न ही शौचालय की। ऐसे में यहां ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गाजीपुर जनपद से कमलेश यादव के साथ सुरेश चंद पांडे की।